अड्डा कहाँ है अपना? अरे मेरा बाल यार, इधर इधर ये तो बहुत गंदा है। हाँ भाई बोलो क्या हुआ? खड़ी हो तुम क्या? आई कांटेक्ट, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। रहीम भाई थोड़ा पीछे क्या हो रहा है? पीछे पे आई लव गोवा। हाँ आई लव गोवा। मेरे पास एक गोवा गई थी तो टी-शर्ट था। हैंड लव्स राखी सावंत। हाँ तो फैंस को लिखवाना चाहिए ना आई लव राखी सावंत। फैंस लोग लिखवाओ, ऐसी टी शर्ट बनाओ आई लव राखी सावंत। सब लोग टी शर्ट बनवाओ। अरे राहुल की शादी की तैयारियां कर रही हूँ, इतने घाघरा चोली वगैरह सब खरीद रही हूँ, सब टेंशन में। डांस तो ब्राइडल लोग करेंगे ना, वो लोग करेंगे ना, मैं क्यों करूँ? शादी में क्या गिफ्ट देंगे? परफॉर्मेंस रहेगा ना? मेरा कोई परफॉर्मेंस नहीं। ड्रीम एंट्री। ये तुम्हारी मास्क पर किसकी फोटो लगी है? मेरी है। खुद की लगा के रखा है। बोले आपकी लगा। सेल्फ प्रमोशन। मुझे भी मास्क पर मेरी फोटो लगवानी है। ये बनाते हैं? ये बना के देगा। बनाओ दो चार मुझे बना के दो। हेलो आंटी कैसे हो? ठीक है देता हूं। है ना मेरे को अच्छा अलग बना के दो ना। क्या कंपनी का नाम है आपका? अरे हमारी सुनो। मूवी मेक। मूवी मेक। मेरे YouTube में थोड़े थोड़े फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, देखा क्या? सब्सक्राइबर बोल दो। सब्सक्राइबर मुझे नहीं पता है, सब्सक्राइबर वो एक फ्रेंड को मैंने दिया हुआ है कि इसमें सब डाला कर, तुम लोग का कॉपी कर करके तुम लोग ये बढ़ा देते हो, ये बढ़ा देते हो। कैसा करते हो ये देखो कैसे करते हो ये सब? है हम लोग नहीं करते, एक कैमरामैन रख लेंगे हमारा तो ऑर्गेनिक है। बताओ ना, नहीं ये कैसे कैसे हो ये? तो मुझे कैमरा में रखना पड़ेगा क्या? एडिटर कर लेते हैं। नहीं नहीं कैमरा में भी तो रखना पड़ेगा क्या? तो तुम लोग हो ना, तुम लोग में मुझे दे दिया करो थोड़ा बहुत। रीयूज कंटेंट होता है ना? रीयूज एक कॉपीराइट होएगा। कॉपीराइट आ जाता है। अच्छा बंद हो जाएगा। कॉपीराइट आएगा? रीयूज कंटेंट मतलब कैसे आएगा कॉपीराइट? मैं तो हूं, मैं प्रॉपर्टी दूसरे के चैनल का वीडियो है ना, वो मतलब दूसरे के चैनल पे अपलोड किया हुआ हम अपलोड नहीं कर सकते, ये शूट किया हुआ कर सकते हैं। ओह माय गॉड। प्रेस आप कहाँ से हो? इंडिया न्यूज। अच्छा आ जाओ इंडिया न्यूज। आप ये मेरा साइड का फैट ले रहे हो क्या? वही बड़ा वही बड़ा यही बड़ा के डालता है। कितना हो गया फॉलोअर्स? 1.3 मिलियन हो गया। मेरा रोज 10,000 बढ़ता है, रोज 5,000 बढ़ता है। बाप रे दुनिया भर से मेरे को रोज इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं मिलियनर्स बन जाऊंगी। अभी तो थोड़ी ठीक ठाक एड नहीं मिल रही है। मिल जाएगी। जब अच्छे फोन की, कार की, शैम्पू की, परफ्यूम की, सब अच्छे अच्छे ऐड मिलेगी तब तो। आजकल तो हर कोई फुकड़ में कराना चाहता है, ऐसा थोड़ी ना फुकड़ में करेंगे। हैं अरे कलो मिस्टर इंडिया दिखा क्या, कहाँ गया? किसी ने डाला ही नहीं क्या? सबने डाल दिया। मेरे को नहीं दिखा। मेरे को तो कल टैग नहीं किया तुम लोगों ने। लिंक भेजते हैं। इंस्टा पे टैग करो ना मुझे मिस्टर इंडिया का, उसका आता है तो उसको बाइट लो ना। कभी कभी दिखता है ना हम लोग को। एक कैसे मैं ऊपर ढूंढ के निकालती हूँ। हाँ, तो अपना ही बच्चा है, उसका बाइट लो ना। जब छोटा था स्कूल में गई थी मैं। कितना खुशी की बात है ना। आ गया सुनने में आ रहा है शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का ब्रेकअप हो गया। कौन है? हो ही नहीं सकता। सुनने में आया ना शहनाज गिल इस जन्म में सिद्धार्थ शुक्ला का साथ छोड़ ही नहीं सकती। इन दोनों का सच्चा प्यार है। मुझे तो शांति तब मिलेगी जब अली गोनी और जैस्मिन की शादी होगी। ये बात सही है, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ उनकी शादी हो। अगला नंबर हाँ बट आई डोंट नो करेंगे कि नहीं।
थोड़ा जैस्मिन के डैडी मानने चाहिए ना, जैस्मिन के डैडी मानने चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता, पहले रिलेशनशिप में रहो और फिर शादी करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ पहले पुराने जमाने में होता था ना, शादी करो और फिर घर बसा लो। नहीं 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 नहीं, कभी कभी टेस्ट ड्राइव लेना बहुत जरूरी है। हाँ बाद में पंगे हुए तो फिर डायवोर्स क्यों लेने का, स्प्रे देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले वो जरूरी बाबा। लेकिन अभी गॉड की तरफ से, गॉड की तरफ से तो ये पाप है कि पाप है कि पहले रिलेशनशिप में रहो और फिर शादी करो, ये तो पाप है गॉड की तरफ से। लेकिन शादी के बाद लड़का अगर ऐसा निकला तो क्या होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ स्प्रे। हाँ हाँ, मेरे स्प्रे जो कि बॉय के स्प्रे बांटने पड़ेंगे लोगों को। काम कर रहा है नहीं बाजी। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, पाजी का वो पाजी का डाइवोर्स नहीं होगा, शादी नहीं हुई है अभी तक, शादी नहीं हुई पाजी की। ओ शादी नहीं हुई फिर भी इस्तेमाल की है। चलो हो गया, जाऊं। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि इस साल जैस्मिन अली की शादी हो, एजाज पवित्रा की शादी हो और शहनाज और सिद्धार्थ की शादी हो, सलमान भाई का भी हो। मेरी शादी तो हो चुकी है। सलमान भाई के बारे में बात मत करें, सलमान भाई के बारे में हम कोई जजमेंट नहीं लेंगे, उनकी अपनी जिंदगी और वो खुश है, वो खुश है, बहुत खुश है। बट हाँ सब अभी शादी का टाइम है। देखो इंसान आजकल जमाना बदल चुका है, शादी के बाद भी लोग काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग काम, काजोल नहीं करती है, शिल्पा शेट्टी करती है, कितना मेंटेन किया करके रखा हुआ है, बच्चे बच्चे के बाद आजकल जमाना बदल चुका है, बच्चे के बाद भी काम कर सकते हैं। मैं तो चिक चिक के कहती हूँ, सबको कहती हूँ मैं तो शादीशुदा हूँ। ये बात अलग है कि मेरा पति नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बड़ा हो चुकी है। हाँ मैं अभी कल से सोच रही हूँ सिंदूर भी लगाना शुरू कर दूँ, क्यों पहले बीच में लगाती थी ना मैं। देखो मुझे पता है, मेरे गॉड को पता, मेरी शादी हो गई है, अभी मैं मरते दम तक निभाऊंगी, मुझे और किसी से शादी नहीं करनी, मैं निभाऊंगी अपना। अब मेरे हस्बैंड को आना हो तो आए, ना आना हो तो ना आए, क्या बोलते हो। सही बात है, चलो थैंक यू। अभी वो मिस्टर इंडिया देखते कितने बजे आता है शाम को, अभी मैं जिम करने जाऊँगा। पतली हुई क्या मैं, ये तुम लोग का वीडियो डाल के मैं मेरा यूट्यूब में डालूंगी तो मैं, मेरा बंद हो जाएगा क्या। अरे बंद होना तो हो जाएगा, खुश रहो। कल आ रहे हो आप लोग, पार्टी हो रही है कल, 15 मिलियन की सारे गाने में उसको लाइन हुई थी। कल तो मुझे तो बुलाया 1 बजे, हाँ वही थर्ड फ्लोर पे आ रहे हो, उनके साथ कल मैं डांस करूंगी और खाना खाऊंगा। 10 मिलियन किसी के 8 मिलियन, किसी के 9 मिलियन, ऐसे आए। बाय। 10 होने के लिए मत बोलो, मैं खुद ही हो गई। 10 होने के लिए